मरुधरा की सियासत के मास्टर कहलाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर भंवरलाल मेघवाल ने 72 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 41 साल पहले टीचर की नौकरी छोड़ सियासत में कदम रखने वाले मेघवाल को अपने पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था। 1977 में शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर भंवरलाल मेघवाल ने इसी साल विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाया और हार गए। लेकिन साल 1980 में मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन भंवरलाल के साथ हमेशा एक अजब संयोग रहा। मेघवाल एक चुनाव जीतते थे, दूसरे में करारी हार का सामना करना पड़ता था। लिहाजा साल 1980 के बाद मेघवाल साल 1990, 1998, 2008 और 2018 में जीते और विधानसभा पहुंचे। वहीं मास्टर भंवरलाल मेघवाल हमेशा अपने बयानों के चलते चर्चाओं में घिरे रहते थे। पिछली गहलोत सरकार के दौरान ही मेघवाल कर्मचारियों और तबादलों पर दिए बयानों को लेकर बुरी तरह घिर गए थे, जिसके बाद मेघवाल को इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन साल 2014 में भंवरलाल मेघवाल पायलट के मास्टर बन गए। सचिन पायलट जब साल 2014 में पहली बार पीसीसी चीफ बनकर आए थे तो मास्टर भंवरलाल ने ही संगठन चलाया था। इस दौरान मास्टर भंवरलाल सूबे के कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं में शुमार हो चुके थे। जब कांग्रेस के सामने चुनावों में मिली हार के बाद कई चुनौतियां थी तो मेघवाल सचिन पायलट के सियासी सलाहकार बने। मेघवाल ने नए लोगों को पायलट के साथ जोड़ने का काम किया। मेघवाल का जाना सचिन पायलट के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, इस बात को पायलट ने ट्वीट करते हुए जताया। पायलट ने कहा कि मंत्री मेघवाल के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध हूँ। मास्टर जी कहे जाने वाले मेघवाल सन 1977 से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के एक मजबूत दलित चेहरा थे। मेघवाल ने 5 साल तक पीसीसी में मेरे साथ उपाध्यक्ष के रूप में पूरे सम्मान के साथ काम किया और 2018 में हमारी सरकार की वापसी के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। मेघवाल के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। कुछ दिन पहले ही 29 अक्टूबर को मेघवाल की बेटी बनारसी देवी का निधन हुआ था। राजस्थान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।